बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में आज इनेलो द्वारा प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। सभी जिला मुख्यालयों पर बुजुर्गों को साथ लेकर इनेलो पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र जिला के लघु सचिवालय के समक्ष इनेलो के जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बुजुर्गों की पेंशन काटने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इनेलो नेताओं ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। इनेलो नेताओं ने कहा कि जननायक देवीलाल द्वारा शुरू की गई पेंशन को सरकार ने काटकर ठीक नहीं किया। पेंशन बुजुर्गों का सम्मान है और बुजुर्गों की पेंशन काटकर भाजपा बुजुर्गों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर परिवार में कोई सरकारी चपरासी भी लग जाता है तो उसके परिवार की आय 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर परिवार बड़ा हो तो बुजुर्गों के हिस्से में क्या आएगा। ऐसे में प्रदेश सरकार को सभी बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर पेंशन देनी चाहिए। प्रदर्शन में इनेलो जिलाध्यक्ष बूटा सिंह लुखी, गगन ज्योत संधू, सुरेश कुमार, राम कुमार अबला, सुरजीत कौर, चेयरपर्सन प्रत्याशी तनुजा, पार्षद प्रत्याशी सरोज बाला, कृष्ण बुरा, धर्मवीर कश्यप, राजू राम गढ़िया, अमर सिंह एमसी पार्षद वार्ड नंबर 8, जोगिंदर सिंह, कुलदीप कौर, सचिन कुमार, रंजीत सिंह, संजीव कुमार, जयपाल सुनहरा सहित सैकड़ों की संख्याओं में पुरुषों और महिलाओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। उसे काटने का काम कर रही है और सन 1987 में जो चौधरी देवीलाल जी दासन द्वारा ये बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों के मान सम्मान के रूप में लगाई गई थी और आज सरकार उसे काटने का काम कर रही है जो बुजुर्गों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। तो हमारी पार्टी की ओर से आज हम यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे और उस पर कार्रवाई जो भी बनेगी, वो आश्वासन दिया उन्होंने कि वो कार्रवाई करेंगे। क्या कहेंगे, कल आप इनेलो का कुनबा भी बढ़ाया अपने 500 से 700 लगभग जो कार्यकर्ता है वो भी इनेलो के साथ जुड़वाए जी। इनेलो का देखिए दिन प्रतिदिन जनाधार बढ़ रहा है और मैं अपनी उसमें पूर्ण जो सहयोग है वो दे रही हूँ। कल हमने एक ज्वाइनिंग करवाई थी, उसमें 500 जो 8 वार्ड के एमसी हैं, मौजूदा एमसी हैं जोगिंदर जी, उनकी वाइफ हैं सरोज जी, वो अब इनेलो पार्टी की ओर से आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें एमसी का चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने जो ज्वाइनिंग की है खुद भी ज्वाइन किया और प्लस 500 समर्थकों के साथ ज्वाइनिंग होना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी सरकार आजकल काम कर रही है, महिलाओं को इतना परेशान किया जा रहा है कि आज जो महिलाएं अपने चूल्हे के जलाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं ले सकते और पुरुष जो है वो अपनी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए तेल नहीं ले सकता, पेट्रोल नहीं ले सकता, वो तो सब जो है पुरुष भी दुखी है महिला भी दुखी है और हम तो इतने ज्यादा दुखी है कि जो इतना सिलेंडर महंगा कर दिया है, जो सिलेंडर हमारी सरकार में जो गलियों में घूमता था सिर्फ 250, 300, 400 रुपए से कभी सिलेंडर का रेट नहीं हुआ, लेकिन आज दुगने से भी ऊपर रेट बढ़ा दिए गए, तिगने तक पहुंचने तक लायक होंगे। तो हमारे तो आपके माध्यम से, आप पत्रकार हो जो हमारी आवाज को पहुंचा सकते हो, तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप हमारी इस आवाज को सरकार तक पहुंचाओ ताकि हमारी महिलाएं इतनी परेशान है वो परेशानी से हटे और हमारे ये महिला है जो ये अभी हमारे साथ ये जुड़े हैं।